उत्तराखंड विच सिखां दे धर्म स्थान गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहब की यात्रा 1 जून तो शुरू हो जा रही है। चढ़दी कला टाइम टीवी वालों संगतां दे सहयोग अते गुरद्वारा ट्रस्ट दे उपराले दे सदका पहली बार गुरद्वारा साहब तो सीधा प्रसारण विखाया जाएगा। आओ एक नज़र मारदे हां श्री हेमकुंड साहब की यात्रा के मुढ़ले पड़ा ते। श्री हेमकुंड साहब के पहले पड़ाव गुरुद्वारा ऋषिकेश तो बाद चढ़दी कला टाइम टीवी की टीम गुरुद्वारा श्री गोबिंद घाट विखे पहुंची। पिछले समय दौरान उत्तराखंड में आए हड़ां के कारण जो गोबिंद घाट विखे सरावान का नुकसान होया सी, उत्थे गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब ट्रस्ट वालों संगतां दे सहयोग नाल होर वधिया सरावान का निर्माण करवाया गया। यात्रुओं के लिए यात्रा नूं होर सुखाला बनाउण दे खातर नवीं पार्किंग ते श्री हेमकुंड साहब नूं जाण वाले रस्ते नूं होर चौड़ा किया गया। गुरुद्वारा साहब के मैनेजर सरदार सेवा सिंह ने चढ़दी कला टाइम टीवी जरिए देश विदेश दीआं संगतां नूं हुम हुमा के पहुंचण दी बेनती की। 2013 च बहुत वड्डा जो जलजला आया उस तो बाद चो जून दे विच ए होण तो बाद चो सारा कुछ सितंबर च ही खबर आ गई सी जी हेमकुंड साहब की यात्रा दोबारा शुरू हो गई है। ये 2 महीनों च किवें सारी कला वरती ते हुण 2 सालों दे विच सारा कुछ नवें सिरों जिहड़ा है तैयार होया है, इहदे बारे संगतां नूं जरूर दसो। एक कला वरताई है सारा सिरा कलगीधर दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी साढ़े रहनुमा सिख कौम दे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की अपार बख्शिश द्वारा होई है। सेवादार गुरद्वारा मैनेजमेंट ट्रस्ट एक जरिया बनया है, वाहिगुरू ने आप बख्शिश की है, कलगीधर पातशाह ने आप मेहर की है, अपने इन्होंने सेवादारा के उत्ते बख्शिश की हैगी है, जिन्होंने कि 2013 जुलाई तो लैके अज तक अपने परिवारक सुख सुविधावान त्याग के गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहब मैनेजमेंट ट्रस्ट लई हेमकुंड साहब की यात्रा लई अपने आप को समर्पित किया है। गुरद्वारा गोबिंद घाट 24 घंटे संगतों के लिए खुला है, इतने रोजाना कथा कीर्तन गुरबाणी का प्रवाह चलता है सवेरे शाम जी, और सेवा जी है वो पूरा साल निरंतर चलती रही है। गुरद्वारा श्री गोबिंद घाट तो साड़ी टीम रवाना हुई गुरद्वारा श्री हेमकुंड साहब लई। गोबिंद घाट तो 4 किलोमीटर अगे पुलना पिंड तक मोटरवे रोड तैयार हो गया, जिसके करके पैदल यात्रा का सफर 4 किलोमीटर घट होने नाल श्रद्धालुओं नूं थोड़ी राहत होगी। इतों चल के चढ़दी कला टाइम टीवी की टीम हुण गुरद्वारा श्री गोबिंद धाम विखे पहुंची। इत्थे भी दशमेश पिता के पावन अस्थान के दर्शनों लई संगतां दे लई हर तरह के प्रबंध नेपरे चढ़ चुके ने। आओ जानते हैं गुरद्वारा श्री गोबिंद धाम के इतिहास अते उत्थे चल रही तैयारियों बारे। ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 4 ਸਵੇਰੇ ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਦਰਖਤ ਹੈ ਰਾਗਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਦਰਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਖੋਖਾ ਪਾਣ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪ ਕਰਿਆ ਸਿਰਫ ਰਾਤ ਕੱਟਣ ਲਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹ 'ਚ ਅੱਗੇ ਰਾਤ ਕੱਟਦੇ ਸੀ ਉਹ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹ ਪੈ ਫਸ ਸਕਦੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰੈਸ ਕਰਨੀ, ਬਾਹਰ ਪੱਥਰ ਲਾ ਲੈ ਕੇ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਜ ਲਈ ਜਾਨਵਰ ਆਏ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਖੋਜ ਸੁਬਾਹ ਫਿਰ ਖੋਜ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਤਪ ਸਥਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪੋਟਲੇ ਜਨਮ ਦਾ ਤਪ ਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਸਭੀ ਕੋ ਆਮੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਤਾ ਹੂੰ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਹੇਮਕੁੰਡ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਯਾਤਰਾ जो अभी 1 जून 2015 से पहला हमारा जो संगत है वो यहाँ से गोविंद घाट से जो है हमारे लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर हरीश रावत साहब जो है वो उसको अपना फ्लैग मार्च कराएंगे, तो सभी को आमंत्रित करते हैं। विगत जो 2013 में जो एकदम एक जलजला आया था, एक प्रलय आ गई थी, और उसके बाद ये सारा कुछ जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है तहस नहस हो गया था, उसको पूरा का पूरा रिस्टोर कर लिया गया है। हम अपने सभी श्रद्धालुओं से, सभी दर्शनार्थियों से पुरजोर अपील करेंगे कि वे कृपया यहाँ पर आएं और पूरी सुरक्षित और ससम्मान अपनी यात्रा पूरी करके जाएं। गुरुद्वारा श्री गोबिंद धाम जिते उत्तराखंड PWD महकमे वालों
जंगी पद्धर ते काम कीता जा रहा है। कांगरियां तो श्री हेमकुंड साहब दे राह विच जो बर्फ फिशी हुई है उस नूं लगभग हटा लिया गया है ते संगतां दी सहूलत लई राह पिंड नूं चौड़ा ते खुला कीता जा रहा है। अलाइनमेंट तो चेंज हम नहीं कर पाएंगे यहाँ पे, लेकिन सर ये कि रास्ता जो बहुत आरामदायक हमने बनाया और जो आगे भी जो हमारी प्लानिंग है वो आरामदायक रास्ते की, आदमी यात्री अपने मजे मजे से अपना यात्रा कर सकता है और यात्रा का पूरा लुत्फ उठा सकता है। चढ़दी कला टाइम टीवी के डायरेक्टर सरदार हरप्रीत सिंह दर्दी नाल SDM करुण प्रयाग श्री विवेक प्रकाश ने विशेष तौर पर गलबात करदिया तैयारियों के संबंधी जानकारी दी। पूरी तैयार है यात्रा के लिए और सारी व्यवस्था कर ली गई है, रास्ते सही कर दिए गए हैं, पेयजल पूरी सुविधाएं हैं, स्वास्थ्य सुविधाएं पूरी हैं। जो भी यात्री यहाँ बद्रीनाथ के लिए आएंगे या हेमकुंड साहब जाएंगे या तो उनकी मेन पॉइंट उसी को गुजरना पड़ेगा उनको, तो काफ़ी बड़ा स्पेस शहर भी है और नगर पंचायत वहाँ का है तो काफ़ी स्पेस भी है, जगह भी काफ़ी वहाँ पर ठहरने के लिए व्यवस्था लोगों का काफ़ी है और पूरी सुविधाएं पर्याप्त हैं। आज मेडिकल फैसिलिटीज भी है, 1 जून से यात्रा शुरू होने वाली है श्री हेमकुंड साहब की, उसकी पूरी तैयारी कर चल रही है और कोई दिक्कत नहीं। गुरुद्वारा श्री गोबिंद धाम साहब तो साड़ी टीम रवाना हुई गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब लई, जिथे दर्शनां लई आउण वाले श्रद्धालुओं की खातर रास्ते तो बर्फ हटाई जा रही है। संसार भर तो आउण वाले श्रद्धालुओं के लिए भारतीय फौज के जवानों वालों श्रद्धा नाल सेवा की जा रही है। हुण साडी टीम पहुंच चुकी है गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब, दशमेश पिता साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी की पावन धरती, वो पावन धरती जिथे पुरबले जन्म के दौरान दुष्ट दमन के अवतार विच श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने अथाह तपस्या की सी। इस स्थान पर आके संगतां पावन सरोवर विच इशनान करके गुरुद्वारा साहब विखे नतमस्तक हुंदियां ने अते अपना जीवन सफला करदियां ने। इत्थे वैसे शुरू असी 28 अप्रैल 2015 नूं पर आए सी, पर इत्थे देखिया वी बर्फ बहुत ज़्यादा है। ये अपना मेन गेट इधर देख रहे हो, मेन गेट पूरा ढकिया पिया सी, इस करके 28 तरीक नूं असी थोड़ा जा बर्फ हटा के मेन गेट पटिया, देखिया भी मेन गेट खुल सकता। 28, 29, 30 अप्रैल नूं असी अप डाउन करते रहे गोबिंद धाम तक, 1 मई नूं असी पक्के तौर पर इत्थे अपना स्टाफ लेके आ गए सी। सेवा करते हुए बहुत अच्छा है सर, पहले जो रास्ता था बहुत ही टफ था और हमको तकरीबन आज 1 महीना 4 दिन हो गया है और जिस समय हम आए थे यहाँ शुरू में हम 14 आदमी आए थे 6 सुमो की टीम, तो उस समय जो है रास्ता बहुत टफ था तो हमने धीरे धीरे खोला नीचे लंगर ऊपर ये यहाँ गुरुद्वारा और हमको बहुत अच्छा लगा। आज के दिन में रास्ता बहुत ही अच्छा हो गया, कोई भी आ सकता है। श्री हेमकुंड साहब विखे गुरुद्वारा साहब के 5 निशान साहब के वस्त्रां की सेवा की गई, अरदास की संपूर्णता के उपरंत जयकारियां की गूंज विच निशान साहब ते वस्त्र चढ़ाउण की सेवा आरंभ के मौके श्रद्धालुओं विच भारी उत्साह बनिया। साध संगत जी, अपने रस्ता की तैयारी पूरी हो चुकी है, दरबार साहब दे विच भी अपना सारा तैयारी पूरी है। इत्थे दी सिर्फ एक चीज़ दी सी कि साडा जिहड़ा पटियाले तो टाइम टीवी चढ़दी कला की टीम आई है ते एक अपने सिख चैनल की टीम आई है, इन्हां दी टेस्टिंग चल रही है 2 दिनों तो ये बहुत वधिया ढंग नाल टेस्ट हो चुका है। सब तो वड्डी खुशी की गल है कि ये अज टेस्ट हो चुका, लगभग सारी तैयारियां ये नाल ही पूरी हो जाती है। दरबार साहब की प्रकाश करन की बिछाई रही है, बस 1 तरीक ओपां पूरी कर लवेंगे, 1 तरीक अपनी ओपनिंग। सो ये सन श्री हेमकुंड साहब जी के पवित्र दर्शन दे दारे 30 मई पहले जथे रवाना करन पहुंच रहे हैं।
इस पावन स्थान तो चढ़दी कला टाइम टीवी वालों गुरबाणी कीर्तन का सीधा प्रसारण करने की सेवा निभाई जा रही है। 1 जून तो रोजाना चढ़दी कला टाइम टीवी पर सवेरे 10:30 तो 12:30 बजे तक सीधा प्रसारण विखाया जाएगा। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब विखे होने वाले गुरबाणी कीर्तन का तुसी अपने घर बह के आनंद माण सकते हो। गुरुद्वारा श्री हेमकुंड साहब ट्रस्ट वालों संगतों नूं हुम हुमा के पहुंचने की बेनती की गई है। न्यूज़ डेस्क तो सुखविंदर सिंह, चढ़दी कला टाइम टीवी।